इन्फो फॉर पेशेंट। हमारे पास अक्सर पेशेंट आ जाते हैं कि कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस ख़ारिश की जो सबसे कॉमन वजूहात क्या हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे जो कॉमन वजह होती है वो वैक्स हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली तौर पे एक्चुअल कान जो वैक्स होती है वो कान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन अगर ऐसी वैक्स जो कैमुलेट हो जाए, जम जाए और ब्लॉक करे और या दीवारों के साथ चिपक जाए तो वो इरीटेशन करती है। दूसरी वजह में जो सबसे कॉमन है वो होती है ड्राइनेस, खुश्की। इसमें क्या होता है, खुश्की के स्केल बन जाते हैं और कान का वो एरिया जहाँ जिसमें बाल उगते हैं वहाँ पे ये ग्रो करता है, और अगर हम कॉटन बड से साफ करें तो कान के अगले जो ऑडिटरी कैनाल के अंदर पुश हो जाते हैं। तो दूसरी कॉमन वजह होती है ये स्केल, ड्राइनेस, और तीसरी वजह होती है फंगस लग जाना, यानी कि अगर आप कान को स्क्रैच करें तो ये फंगल स्पोर्स होते हैं जो जिनको उगने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो अगर वहाँ पे आप वुंड क्रिएट हो जाए और वो फंगल स्पोर वहाँ पे एक्वायर करके वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है ये काफ़ी रेजिस्टेंट बीमारी होती है, क्योंकि इसको उगने के लिए नमी और अंधेरा चाहिए होता है। एक दफ़ा अगर कान में ये लग जाए तो फिर ये काफ़ी मुश्किल तरीके से ये फिर ख़त्म होती है। तो ये मोस्ट कॉमन वजूहात जो कान में ख़ारिश होती है। अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या कान में ऑयल या ऑलिव ऑयल या जो गर्म करके तेल डाल लेना चाहिए, तो ये एक ब्लाइंड तुक्का सा होता है। अगर आपको सिंपल ड्राइनेस है या जैसे स्किन में ड्राइनेस होती है, यस इट कैन हेल्प, ये कर सकता है, लेकिन अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन और आप इसमें ऑयल डाल रहे हैं तो वो उस प्रॉब्लम को वर्स करे। तो इसलिए जो सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि जब भी कान में इस तरह का प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो, इरिटेशन हो, तो सबसे अच्छा है कि आपको ENT की कंसल्टेशन लेना चाहिए, वो इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से फिक्स कर सके।